एल्चिन, तुमने वेट लूज किया है? रियली? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ओह, मुझे बताओ ना सीक्रेट, कैसे कम किया? कोई सीक्रेट नहीं है, ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। मैं तो हमेशा मीटिंग्स में ही रहती हूँ, बिजी रहती हूँ। कल एक मीटिंग है, राइट? राइट। तो तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो क्या? डार्लिंग प्लीज पेपर पास करना। श्योर। थैंक यू वेरी मच। हम होटल्स के लिए सैनिटरी प्रोडक्ट्स एल्सिन से खरीदेंगे। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। निहात, मैं सोच रही थी क्या हम ओपनिंग से पहले वेकेशन पर जा सकते हैं, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने सिनन की बोर्ड चेंज कर दी और उसे अभी तक दिखाया भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो मुझे भी काफी इंटरेस्ट है उसमें। हाँ बेटा। डैड, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, वो भी अभी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। बुरा गायब है। गायब? कब से गायब है? यही कुछ 6-7 घंटों से। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अगर आप कहें तो मैं पुलिस को बताऊं इसके बारे में। बेटा, तुम बुराक की बात कर रहे हो, वो कल सुबह तक आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट, वो आ जाएगा। देखिए डैड, कुछ तो गड़बड़ है, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो गड़बड़ क्या है। हुआ क्या है बेटा, मुझे सच सच बताओ। एटलीस्ट अब वो जेल के अंदर तो है। शुक्र है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने उसे बहुत अच्छे से पकड़ा था, बहुत डर गई थी वो। मुझसे बस रहा नहीं गया। उसे ऐसी सजा मिली, अब वो जिंदगी में चोरी नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है। अगर ये बात है तो कुछ गड़बड़ जरूर है, फिर भी हम बुराक की बात कर रहे हैं। देखते हैं, सुबह तक उसका इंतजार करो, वो जरूर वापस आ जाएगा। मैं पहली फ्लाइट से बोधरम आता हूँ। ठीक है डैड। टेंशन मत लेना, जस्ट रिलैक्स, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो। हाँ ठीक है, बस आप अंकल को कुछ मत बताना। ओके। तुम्हारी बहन कैसी है? तुम साथ में तो हो ना? हाँ साथ में है। अब बिना कुछ सोचे जल्दी सो जाओ, चिंता मत करो। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। Bizi yazmasın mükemmel olmasın.